फरवरी 2014 और इस दिन इस महीने जो हुआ ये इस देश का सबसे बड़ा डॉक्टरों का आंदोलन देश सबसे के सबसे बड़े डॉक्टरों के आंदोलन में से एक हुआ और कहा जाता है कि उसके मुख्य जो कल्प्रिट थे हाजी इरफान सोलंकी थे जी आ, एक मोटर एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की घटना थी घटना क्या थी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की आप बताए फिर हम पूरी बात एक रोड एक्सीडेंट की घटना थी जिसको लेकर आपके समर्थकों और गनर ने हैलेट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज वहाँ पे एक डॉक्टर को पीट दिया सरकार आपकी एसएसपी यशस्वी यादव उसके बाद एसएसपी यादव एस एस पी यादव सपा समर्थक कुछ गुंडे और पुलिस की टीम घुस गई हॉस्टल में खबरें छपी हैं ये बताती हैं कि छात्रों को पीटा गया मतलब सिर्फ पुलिस ने नहीं पीटा समाजवादी पार्टी के समर्थक और नेता घुसे थे और जो कुछ गुंडे भी शा, शायद साथ में होंगे या नहीं होंगे आ, वो भी घुसे उन्होंने भी पीटा 24 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया और हाजी इरफान सोलंकी और उनके साथ के लोगों पर एक भी खरोच नहीं आई उन्हें किसी को अप्रिहेंड नहीं किया गया किसी पर कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए और उसके बाद पूरे राज्य भर में कई सारे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज सारे बंद हुए हिंसा की जो तस्वीरें मतलब उस समय तो मीडिया कम से कम इतना ही इतना अवेलेबल तो था लोगों को कि तस्वीरें फ़ोटो वीडियो आज भी अवेलेबल हैं लोगों के पास एक छात्र की कमर की हड्डी टूटी थी कई लोगों के हाथ पैर टूट गए थे उसमें हॉस्टल में पुलिस घुसी थी तो टेबल तोड़े गए थे लैपटॉप लैम्प तोड़े गए थे मेडिकल कोर्सेस की किताबें फाड़ दी गई थी फट गई थी पिटाई से चौबीस छतरेसल उनको उनको छोड़ने के लिए तीन सौ डॉक्टरों ने इस्तीफ़ा दिया और फिर आपने भी बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एक वृद्ध को लेकर पहुँचे और आपने कहा कि जूनियर डॉक्टरों ने इनको पीटा था और आपके भी हाथ में बैंडेज बंधा हुआ था क्या हुआ था आपका वर्जन क्या है <coughs> देखिए पहले बात सरकारी अस्पताल कभी जाना हुआ आपका बहुत बार। बहुत बार बार हम उम्मीद करते हैं आप सच का साथ देंगे सच वो सच होता है कि जिसको आदमी सुनता भी है और सुनना चाहता भी है आज बहुत तमाम गोदी मीडिया के नाम से बहुत से पत्रकार फेमस है पर उसी भीड़ में उसी भीड़ में बहुत से अच्छे पत्रकार भी मौजूद हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं जिनको अप्रिसिएट करते हैं बहुत से लोग हैं जो आज भी पत्रकारिता के वजूद को जिंदा रखे हुए हैं भले उनको कोई कुछ भी कहे इस तमेत अट्ठाईस फरवरी का दिन 2013, 2013, उस समय हुआ ऐसा कि शाम के 6 बज रहे थे हैलत का पुल जो उतरते ही एक रॉयल सर्जन की दुकान है मेरी थोड़ी सांस फूलती है है जी कभी जैसे मौसम बदलता है, उस समय फरवरी सर्दी का दिन था तो एक बलून आता है जिसको आप हाँ, से ठीक है वो लेने के लिए मैं वहां उतरा था एक एक चीज हकीकत के साथ मैं बता रहा हूँ ठीक है मेरे पास उस समय एसयूवी गाड़ी थी एसयूवी गाड़ी में अगर आपको फोर्ड होती है पीछे फिर दिग्गी में आदमी बैठता है सफारी में क्या पीछे से बैठ जाता है तो मेरे गना, मेरे साथ हम पुल, पुल, हम पुल, अच्छे आ रहे थे। काका देव से हम आ रहे थे तो उतरते पहली दुकान मिली तो हमने वो ले जाएगी हम दुकान के अंदर मौजूद थे मेरे यूट्यूब पे वीडियो पर करना मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है तो मैं दुकान के अंदर चला गया मैं हमारे तमाम साथी वहाँ दुकान के अंदर उसको खरीद रहे थे सरदार सरदार जी की दुकान थी मैं उसको खरीद रहा था तो अचानक बाहर देखा शोरगुल हो रहा है शीशे का फ्रेम आप दुकान पे जाइएगा जरूर इसमें पर्सनल रिक्वेस्ट ठीक है आप वहाँ जाइएगा तो बाहर मैंने देखा कुछ लोग लड़ रहे हैं अब जैसे अभी हम आप हैं हम लोग जीन्स पहनते हैं कोदूत पहनते हैं तो ऐसा लगता है वी आर फ्रॉम द सिटी हम लोग इस शहर से हैं अगर आप हम लोग ग्रामीण चलेंगे गाँव में चलेंगे तो वहाँ का जो रिवाज है जो कपड़े हैं जैसे राजस्थान के लोग धोती धोती पहनते तो इस समझ ये समझ में आता ये आदमी जो है गाँव से मतलब एक बात बता रहे हैं पंजाबी होंगे सरदार तो सरदार जी पगड़ी पहनेंगे आप इजी उनको है तो मुझे लगा ये क्योंकि हेलत सरकारी अस्पताल है वहाँ पे अमूमन गांव देहात के लोग ज़्यादा आते हैं जो उस हिसाब से तो हमने ये कई गांव का आदमी है इसको लोग परेशान कर रहे हैं एक बुजुर्ग थे उनके साथ उनकी बेटी थी वहाँ उनके जूनियर दफ्तर उनसे बता मैंने अपने गनरों को भेजा हमने जाओ जाके इनको छुड़ाने का काम करो तो सवाल के जवाब में थोड़ा सा व्यवधान आ, हुआ आ, व्यवधान भी नहीं कह सकते वो ज़रूरत है वो जिम्मेदारी है अजान सुनाई दी तो हमने रोकने का सोचा उसके बाद धूप धीरे धीरे आते आते हमारे चेहरों पे पड़ने लगी और नाश्ता वाश्ता एक ब्रेक लिया गया मोहन जी जो कैमरे के पीछे हैं उनका ब्रेक अभी भी चल ही रहा है और हेलट हॉस्पिटल की घटना पर आपका जवाब जी तो वो उन्होंने वहाँ पे एक राहगीर को मारा मैंने अपने गनर को भेजा गनर उनको समझाया क्योंकि आप हेलत में थे लड़कों में जोश था लड़कों ने बदतमीजी करनी चाहिए तो एक इंसिडेंट होते होते उसको इतना बड़ा रूप दे दिया अच्छा अब सोने पे सुहागा क्या हुआ कि उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी जो आपने चौदह कहा तो इसलिए मैंने बात आपकी तेरह पे लाए कि इस इस पूरी घटना को आग में घी डालने का काम बीजेपी वालों ने करा था। और मैंने आपको सवाल करके पूछा था पहले कि क्या, कभी आपका सरकारी अस्पताल में हाँ, हुआ। मैंने भी कहा था कि हाँ। याद आया होगा आज दिन आप अखबार में पढ़ते होंगे तिमारदारों को सरकारी जूनियर दफ्तर जूनियर दफ्तर शब्द पे गौर करिए जूनियर दफ्तर दे आर New running kids. जो छोटे भाई की तरह आप कह सकते हैं तो अभी आपने बहुत लंबी छोटे भाइयों की छोटे में। में मतलब नहीं, 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 हम, भाई तो ऐसे वो भी छोटे भाई की तरह वो आए हैं प्रैक्टिस हैं ना प्रैक्टिस कभी आपने ये नहीं सुना होगा सीनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर ने झगड़े करे बिकॉज उनकी मैं 2007 में विधायक बना पहली बार मौका मिला विधायक बन गया विधायक की गरिमा विधायक का पावर धीरे 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 समझते समझते आए घटना हो जाती थी उस समय भी नहीं समझ पाते थे विधायक की क्या गरिमा है ऐसा नहीं है कि हम विधायक बन गए तो हम शक्तिवान बन गए बहुत फर्क है पर धीरे 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 तो जूनियर दातों से हुआ फिर ये हुआ फिर आत, आग में घी डालने का और जो घटना थी जो आपने कहा एक बुजुर्ग को लेके आया वो घटना उन्हीं की थी अगर वो कारप्रेट होता यानी एक बनावटी किरदार होता होता तो झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। सच परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं मेरे ऊपर एस आई टी की थी अखिलेश जी नहीं बता ली देखिए अखिलेश यादव जी मर्द मुजाहिद एकदम हर चीज आईने की तरह साफ करते हुए पानी की तरह उन्होंने मेरे ऊपर भी एस आई टी बता ली मेरे भी सवाल जवाब हुए एस एसवी यादव के खिलाफ भी जांच हुई सबके हुआ आज मामला खत्म हो गया अभी फिर से मेरा सवाल लेकिन टिका हुआ है कि क्या आपने आपके समर्थकों ने यूपी पुलिस की मौजूदगी में एसएसपी यशस्वी यादव की मौजूदगी में फोर्स की मौजूदगी में जिसके बारे में कहा यह भी जाता है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से और सीएमएस से परमिशन नहीं ली तमाम चीज़ों कार्रवाई को अंजाम देने पहले वो लोग हॉस्टल में घुसे थे छात्रों को पीटा गया था क्या हुई थी घटना मैं ये जानना चाहता हूँ आपका वर्जन जो है उस पर सवाल तो अलग है देखिए ऐसा था महाराज सरकार इस समय जो हमारे उदयराज ठाकरे जी हैं शायद वहाँ पे सीएम साहब महाराष्ट्र में उदय राज्य महाराष्ट्र सरकार में उदय राज उदय जी हैं ठाकरे साहब हैं वहाँ के सीएम साहब बाला साहब ठाकरे के जी, जी जी उससे पहले फदनानी साहब थे सरकार नहीं बन पा रही थी राष्ट्रपति शासन लग गया बहुत अच्छा सवाल है आपको बहुत अच्छा लगे सुनने में राष्ट्रपति शासन लग गया राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए पीएमओ राष्ट्रपति जी को मैसेज देता है कि यहाँ पे अब सरकार बनी आप हटा लीजिए सुबह छह बजे बजे कब उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग करी होगी और ये वो क्या उन्होंने छह बजे उनको शपथ करा दी साहब को फिर फ्लोर पे आए फिर हुआ नहीं हुआ फडनवीस फडनवीस को याद है आपको एपिसोड नहीं याद है याद कर ले जी उनको आपने सीएम की शपथ दिला दी और उप सीएम बना दिया अजीत पवार साहब को और ये सब हो गया अजीत पवार ने खेमा बदला फिर से हो गए फिर वो ये फिर उद्धव ठाकरे इतनी चीज़ें तेज़ होती हैं कभी कभी कि आपको जो आपने सवाल करा ना परमिशन नहीं ली और ये नहीं करा वो तो मेरा एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने आपको दिया है कि आप अगर कंपैरिजन करेंगे ऐसे ही मुझे याद है स्वर्गवासी हो गए हमारी यहाँ तमिलनाडु की जयललिता जी मुख्यमंत्री थी करूणा और उस समय शायद गृह मंत्री थे काने सरकार में अब नाम तो मैं भूल रहा हूँ रात में बारह बजे उनको उठा लिया गया था नाम हमें याद नहीं आ रहा कोई बात, बात नहीं मैं हम लोग बहुत राज्यों के रेफरेंस में पढ़ के नहीं नहीं इसलिए ना आपने कहा परमिशन नहीं ली परमिशन नहीं ली मान लीजिए वो प्रशासनिक कार्रवाई वो अपनी गाइडलाइन के उल्लंघन में उन पे कार्रवाई होगी ठीक है होगी क्या हाजी इरफान सोलंकी उनके समर्थक उनके साथ में काम करने वाले लोग हॉस्टल में घुसे थे उस एक वीडियो आप मेरा दिखा दीजिए आपके समर्थक गए थे एक वीडियो दिखा दीजिए समर्थक गए दिखा दीजिए एक वीडियो दिखा दीजिए आप, आप अपने ललन दिखा दीजिएगा चलिए विधायक जी ने कहा गलत बात कही चलिए आप चलिए आप खंडन कर रहे